ओजोन के बारे में पढ़े हैं, सब लोग जानते होंगे ओजोन का निर्माण कैसे होता है, किस पर ऑक्सीजन पड़ती है तभी तो होगा। खाली परावैगनी किरण कह दोगे, ऑक्सीजन के ऊपर जब परावैगनी किरण पड़ेगा तब ओजोन का निर्माण होता है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपसे प्रश्न किया गया है, ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं बताएंगे, ऑक्सीकारक याद है आपको? अरे सुनो, अपचयन को ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीकरण को अपचायक कहते हैं, उल्टा होता है दोनों का। तो ऑक्सीकारक का मतलब होता है कि जब कोई भी तत्व है अपने अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा, जैसे अपचयन में ऑक्सीजन को बाहर निकालता है वही ऑक्सीकारक के ग्रुप में भी बाहर निकालता है। तो प्रश्न आपसे यही कह रहा है कि ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। मैंने आपको बताया था कि O3 है, जब आप क्रिया कराएंगे तो O2+O में टूटेगा, वो आपका नवजात ऑक्सीजन होता है ना। इस नवजात ऑक्सीजन को जब रंगीन पदार्थ में डाला जाता है तो उसको रंग को क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, प्रश्न यही कह रहा है, लिखेंगे इसमें कि ओजोन नवजात ऑक्सीजन का, नवजात ऑक्सीजन को खाली का निर्माण करता है। अतः समझते हैं ना बाबू, ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो ओजोन है O3, ये O2 में, और O में क्या हो गया, टूट गया, तभी तो आप इसको ऑक्सीकारक कहेंगे। छोटा सा क्वेश्चन आपके पास था, कोई आपको दिक्कत नहीं। तो आंसर आपका 7.18 था, अब हम लोग आते हैं आंसर 7.19। तो देख लेना ओजोन के बारे में, जब भी आपसे प्रश्न करेगा, ऑक्सीजन ये निकाल रहा है इसीलिए हम लोग ओजोन को प्रबल ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक का मतलब होता है ऑक्सीजन जो आपके ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा है। क्वेश्चन नंबर देखो बाबू, 19 नंबर आपसे कहता है, ओजोन का मात्रात्मक आकलन आप कैसे करते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि देखो, सबसे पहले तो आयोडीन के साथ इसकी क्रिया कराएंगे, उसके बाद से सोडियम थायोसल्फेट के साथ क्रिया करते हैं, फिर हमें O3 का मात्रात्मक अध्ययन हो जाता है। देख लो इसमें थोड़ा सा, ओजोन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ ओजोन के लिए आयोडीन से कराते हैं, फिर पुनः ओजोन की क्रिया ऑक्सीजन है या आयोडीन, लिखना आयोडीन तो बोले है ना, बक्का आयोडीन के साथ कराई जाती है, पुनः सोडियम हटाने सल्फेट के साथ कराई जाती है, थायोसल्फेट के साथ कराई जाती है तो ओजोन का निर्माण, तो ओजोन का मात्रात्मक गणना हो जाता है। आयोडीन से घुलना में ये फायदा होता है कि पहले कुछ मात्रा बनता है, जैसे ओजोन का कुछ मात्रा बना, फिर हम लोग उसको किस में घुलते हैं, फिर हम लोग उसको सोडियम थायोसल्फेट में घोलेंगे तो कुछ मात्रा फिर ओजोन का बनेगा, तो कुछ कुछ बनता है, फिर उसका हम लोग कितनी उसकी मात्रात्मक है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो यही होता है आपका, 2 क्वेश्चन आपका पेज नंबर पर उपस्थित था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे, जरूर याद रखेंगे आप।